देखते हैं आज डॉजबॉल के मैच में किसकी जीत होगी। आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो कहानी आप वेलकम होम मॉम, आज खाने के लिए बाहर चलते हैं। तुम्हारा स्वागत है लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं है। मुसाई तुम कैसी बातें कर रही हो, क्या किसी को बोलना चाहिए कि पैसे नहीं है? बोलने से पहले एक बार तुम्हें सोचना चाहिए। अरे वो सब छोड़िए दीदी, शिनचैन तुम्हें घर आकर बोलना चाहिए कि मैं घर आ गया हूँ, ना कि कुछ और। मौसी बिल्कुल ठीक कह रही है, अब जाओ और जल्दी से हाथ मुंह धो लो। सब मुझे डांटते ही रहते हैं, मैं जा रहा हूँ। शिनचैन इसमें नाराज होने की क्या बात है? हाँ इसमें कोई नोटिस है? अरे वाह डॉज बॉल कॉन्टेस्ट, डॉज बॉल कॉन्टेस्ट, वो भी शिनचैन के स्कूल में? हाँ शिनचैन के स्कूल में ये डॉज बॉल कॉन्टेस्ट हर साल होता है। अच्छा ऐसी बात है क्या? मैं तुम्हें चीयर करने जरूर आऊंगी शिनचैन। ठीक है शिनचैन, क्या मैं भी चल सकती हूँ? क्या अभी आना चाहती है? तुम जानते हो बचपन से ही मुझे डॉज बॉल बहुत ज्यादा पसंद है। बचपन से तुम सिर्फ डॉज बॉल ही तो खेल रही हो, और तो तुम्हें कुछ आता ही नहीं है। सही कहा ना, मैं डॉज बॉल की चैंपियन थी। क्या इस बारे में तो मुझे पता ही नहीं था। चलो शिनचैन अब हम लोग बाहर चलते हैं। क्या पर किस लिए? डॉज बॉल की प्रैक्टिस के लिए। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, आप भी डॉज बॉल कॉन्टेस्ट के लिए स्कूल आएंगी ना? हाँ नहीं शायद नहीं आ पाऊंगी। क्यों, आप क्यों नहीं आना चाहती वहाँ? क्योंकि मसाओ नहीं चाहता कि मैं वहाँ आऊँ। अगर मैं उसके सामने रहूँगी तो वो सही से खेल नहीं पाएगा। उससे क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि जब मैं उसके सामने रहती हूँ तो वो नर्वस हो जाता है और फोकस नहीं कर पाता है। मेरा बहुत मन है कि मैं उसे खेलते हुए देखूं। मसाओ की मोम तो बहुत परेशान थी। तुम तैयार हो? ये लो। अब चलो उस बॉल को वहाँ से निकालो। मैं नहीं निकाल सकता। तुम निकाल सकते हो, मैंने कहा ना उसे जल्दी से निकालो। शिनचैन तुम्हारी मौसी तो बहुत ही गुस्से वाली है। मसाई मौसी, मसाई मौसी। शिनचैन चुप रहो, खेलने दो। आप हार गई, आपको स्टैचू में हिलना नहीं चाहिए था, आप हार गई। तुम ये क्या कर रहे हो शिनचैन, हम यहाँ प्रैक्टिस के लिए आए हैं। शिनचैन रुक जाओ, प्रैक्टिस करने दो। अरे तुम लोग यहाँ हो, कैसी चल रही है प्रैक्टिस? मसाई मौसी को समझाइए ना। क्या बात है मुसाई, बताओ। अरे कुछ भी नहीं, ये सब यहाँ प्रैक्टिस करने आए थे तो मैंने सोचा मैं इनकी थोड़ी मदद कर दूँ। लेकिन हम आपके साथ प्रैक्टिस नहीं करना चाहते। ऐसा क्यों नहीं करते कि तुम लोग थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले लो, मैं कुछ स्वीट्स लाई हूँ। अपने हाथ धोना मत भूलना। ये आपने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। हाँ कल स्कूल में उनका मैच है और उन्हें प्रैक्टिस करने की जरूरत है दीदी। क्या उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की तो वो हार जाएंगे। सुनो तो। मैं कुछ नहीं सुनूंगी, बस थोड़ी देर में हम फिर से प्रैक्टिस करेंगे। सुनो मुसाई। हाँ जरा ये देखो मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आई हूँ। तो समझ गए, अगर बॉल इस तरफ से आएगी तो कजामा यहाँ जाएगा और मसाओ और नैनी यहाँ पर होंगे। तुम लोग मेरी बात सुन रहे हो या नहीं? अरे बच्चों को आराम से खा तो लेने दो। अच्छा ठीक है। चलो बच्चों, अब जल्दी से दूध पी लो और मुसई मौसी जो कह रही है उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। दीदी आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अगर तुम लोग जीतोगे बच्चों तो तुम्हारी मॉम्स बहुत खुश होंगी। वैसे तुम सब लोगों की मॉम्स आ रही है ना? हाँ आंटी मेरी मॉम आ रही है और जानती है वो अपने साथ डिजिटल कैमरा भी ला रही है। नहीं मेरी मॉम नहीं आएंगी आंटी, क्योंकि मैंने उन्हें मना कर दिया है। पर ऐसा क्यों बेटा? वो इसलिए क्योंकि मैं साहब को अपनी मॉम के सामने खेलने में शर्म आती है। तुम अपना मुंह बंद रखो। देखो मसाओ तुम्हारी मॉम भी ये चाहती है कि तुम्हें खेलते हुए देखें। मैं जानता हूँ आंटी। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि मसाओ की मॉम भी वहाँ आ सके। चलने के लिए तैयार? यकीन नहीं होता तुम इतनी जल्दी उठ गई। इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है। आप जानती हैं मसाओ बहुत अच्छा खेलता है, अगर मैं उसे थोड़ी सी ट्रेनिंग दूं तो वो और भी अच्छा खेलेगा। मुझे यकीन है मसाओ की मॉम भी उसे खेलते हुए देखना चाहेंगी। हाँ तुमने सही कहा, मसाओ की मॉम भी उसे खेलते देखना चाहती है। अरे याद आया। हाँ क्या याद आया? आप वहाँ जाइए दीदी। मैं अभी आती हूँ। आज के देखना
ग्रुप और रोज ग्रुप के बीच मैच शुरू होने ही वाला है। मुसाई पता नहीं कहाँ रह गई। देखना अच्छा तो सभी बच्चे तैयार हैं। दीदी मैं आ गई। गेम शुरू हो गया क्या? गेम तो अभी तक शुरू नहीं हुआ, पर तुम्हारे साथ ये कौन है? हेलो, इसके अंदर मसाओ की मॉम है। ये लो। ये लड़का तो डॉज बॉल काफी अच्छी तरह से खेलता है। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, हीमा वाली टीम में सिर्फ शिनचैन और मसाओ ही बचे हैं। शिनचैन के रहते हुए मैं गेम पर फोकस नहीं कर पाऊंगा। घबराओ मत मसाओ, जैसा मैंने तुम्हें सिखाया है वैसा ही करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये लो मसाओ। मैंने पकड़ ली, मैंने बॉल पकड़ ली। बहुत बढ़िया मसाओ, तुम अच्छा खेले। इसने मेरी बॉल पकड़ ली, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। अच्छा खेल रहे हो। काश मैं यहाँ होती तो मुझे देखकर कितना खुश होती। जीत गया मेरा मसाओ, जीत गया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुसाई। देखा, मैंने कहा था ना, मुझे तो पता ही था मसाओ ये कर लेगा। वैसे मुझे ये आइडिया आपकी ऐड की वजह से ही आया है दीदी। क्या? वो ऐड जो मैंने तुम्हें घर पर दिया था उसकी वजह से तुम्हें आइडिया आया? ये तुम क्या कह रही हो? अब तो आप मानती है ना दीदी कि मैं बहुत समझदार हूँ। क्या? ये आइडिया तो तुम्हें मेरी वजह से मिला है, तुम कहाँ से समझदार हो गई? आप मुझे हमेशा आलसी समझती रही, लेकिन असलियत तो ये है कि मुझ में भी बहुत सारा टैलेंट है। मुझे नहीं लगता।